नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे शनि के मार्गी होने की, और उसमें मैंने अब तक आपको मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि वालों के हाल बता दिए थे कि शनि के मार्गी होने का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम शेष बची हुई राशियों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि से। धनु राशि वालों को शनि की 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है। मार्गी शनि के बावजूद राहत की उम्मीद नहीं है। आर्थिक मामलों में थोड़े सावधान रहें, नवंबर के बाद जरूर धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वाणी पर आपको बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत होगी। कुटुंब में संयमित व्यवहार रखें, अन्यथा आपके संबंध खराब हो सकते हैं। फरवरी के बाद घर मकान प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ी बहुत सफलता के योग हैं। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, नियंत्रण रखें। बेवजह की योजनाओं में अपना वक्त बर्बाद ना करें, बेवजह की यात्राएं ना करें, उनसे बचें। अगले 2 वर्षों तक शनिवार को शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक दान किया करें। उड़द की दाल भी आप दान कर सकते हैं। निकटतस्थ संबंधियों से अपना व्यवहार थोड़ा मधुर रखकर चलें। वाणी भाषा बोली पर नियंत्रण रखेंगे तो सब ठीक होगा। मकर राशि। मकर राशि वालों की मध्य ढैया चल रही है, इसलिए अथक परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। कार्यों में रुकावटें भी खूब आएंगी। मार्गी शनि अब खर्चों में थोड़ी कमी करेंगे। 7.5 के प्रभाव से उलझन और बेचैनी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। निकटस्थ लोगों से संबंध बिगड़ने की संभावनाएं प्रबल हैं। वाणी व व्यवहार पर संयम रखें। रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार आदि में स्थिति सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगी। कार्य का बोझ और शनि अति की व्यस्तता शारीरिक व मानसिक रूप से थकाएगी। स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले प्राप्ति या सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर 7.5 की शुरुआती ढैया चल रही है। बेवजह धन खर्ची के प्रबल योग हैं। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राएं और व्यर्थ की भागदौड़ की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। धन के लेन देन में बहुत सतर्क रहिएगा। कुटुंब में दिक्कतें बढ़ेंगी, घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। जो लोग विदेश यात्रा प्लान कर रहे थे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद झगड़े से जहां तक हो सके बच के रहें। महामृत्युंजय जप करें और शनिवार को शनि मंदिर जाया करें। खान पान पर बहुत नियंत्रण रखें। संयमित दिनचर्या अपनाएं। योग, प्राणायाम, धर्म, अध्यात्म में भी कुछ वक्त दिया करें। और अंत में बात मीन राशि वालों की। मीन राशि के लिए शनि का मार्गी होना धन लाभ के योग देता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अधिकतर इच्छाओं की पूर्ति होगी। सुख संपत्ति, घर मकान, वाहन, वस्त्राभूषण की प्राप्ति के योग हैं। धर्म अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। जान पहचान का दायरा बढ़ेगा। मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होगी। नई कार्य योजना को शुभारंभ कर सकते हैं और आप इससे धन भी अर्जित करेंगे, सफलताएं अर्जित करेंगे। किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर नीलम धारण कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए और जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनके लिए अप्रैल से वक्त और भी अच्छा होगा। अब मित्रों, अंत में बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए शनि अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। तो जिन राशि वालों की शनि का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा हो, मकर राशि में गोचर कर रहे शनि पीड़ित कर रहे हों, तो वे शनिकृत पीड़ा का निवारण करने के लिए
लोहा उड़द काला वस्त्र, काला पुष्प चमड़े के काले जूते, काली गाय छाता आदि का दान करें। विशेष विषम परिस्थितियों में महामृत्युंजय मंत्र जप करें, ग्रह शांति कराएं। सारे साथी व ढैया के अशुभ फल मिल रहे हों तो वे लोग शनि की वस्तुओं का जो अभी मैंने बताई हैं उनका दान करें। शनिवार को और शनिदेव का शनिवार को शनिदेव का तैलाभिषेक करें, उनका तेल से अभिषेक करें और शिव जी का रुद्राभिषेक करें। ये वस्तुएं जो मैंने बताई हैं सायंकाल के बाद दान करें तो शनिकृत पीड़ा का निवारण होगा। 23,000 मंत्र जप करें, जो मंत्र है शनिदेव का, नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तन्मामी शनिश्चरम। इस मंत्र का 23,000 बार जप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।